नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र यादव प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा के अंतर्गत संचालित बीकॉम स्तर के कोर्स कोड 102 अकाउंटेंसी फर्स्ट को लेकर के उपस्थित हूँ। अब तक तो आपको पिछले लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ाया गया था उसे हम एट अ ग्लांस एक समरी के रूप में लेकर के आए कि फिर आपकी यादें ताजी हो जाएं। अब जो आज का लेक्चर था वो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट समायोजनाएं क्या होती हैं, तो व्यवसाय में जो मदें हमारा फाइनल अकाउंट बनाने के क्रम में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उस समय कुछ व्यवसायिक क्रियाएं या कुछ जिस ट्रांजैक्शन जो उस समय उस लेजर में नहीं ले जा लेजर में का हिस्सा नहीं बन पाता है उसको हम ले करके आते हैं और समायोजना की सहायता से हम फिर उसे जब फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उस समय उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को हम समायोजनाएं कहते हैं। समायोजनाओं के बारे में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि समायोजनाओं का जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो बोथ साइड होता है, दो स्थानों के लिए होता है, जिसका हम जब फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे तो उस समय आपको बतलाते चले जाएंगे। तो आइए हम आज समायोजना के बारे में एक एक करके हम आपको समायोजनाओं का एग्जाम्पल के द्वारा समायोजनाओं का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी और उसको हम कहाँ ले जाके पोस्टिंग करेंगे, उस किसका किससे रिलेशन है, कहाँ पे वो ऐड होगा, कहाँ पे माइनस होगा, और उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा जो है वो सबसे पहले जो हमारा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का दिखाई दे रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है बिजनेस में एक बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि द अनसोल्ड गुड्स लेइंग इन स्टोर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, यानी कि जब वर्ष हमारा समाप्त हो रहा था उस समय हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो उसको हम अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट हम एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। तो एडजस्टमेंट हमारी एक एंट्री बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री हम ऐसे दिखाएंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारे जर्नल एंट्री हो गया। अब हमारा क्लासिफिकेशन का काम पूरा हो चुका था, यानी कि लेजर तैयार हो चुका था, ट्रायल बैलेंस भी तैयार होगा, तो सीधे हम इसको फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जहाँ पे ले जाना होगा हम सीधे यहाँ से उसको वहाँ लेके चले जाएंगे। तो आप देखिए टू फोल्ड इफेक्ट इसका क्या आता है, जैसा कि हमने अभी बताया कि एक एवरी एडजस्टमेंट हैज टू फोल्ड इफेक्ट, जो भी समायोजनाएं हैं उसका दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है या दो साइड पर प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए ये क्या है, पहला प्रभाव इसका क्या आएगा, इस जर्नल एंट्री का पहला प्रभाव क्या आएगा, तो सोन ऑन क्रेडिट साइड, इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, कहाँ पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको ले जा करके हम दिखा देते हैं, जब उसको लिखते हैं कि बाई क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद अब दूसरा कहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हमारा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड में ले जाके हम इसको करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में लिख देंगे स्टॉक के रूप में। अब हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या है, तो हमारे वे खर्चे जो बाकी रह जाते हैं, जिसका पेमेंट करना बाकी रह जाता है, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। बाकी रह जाने का सेंस क्या है कि हमारा बिजनेस ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पूर्व हम जब क्लासिफिकेशन लेजर बनाते हैं
उस समय या बैलेंसिंग कैलकुलेट करते हैं उस समय कुछ हमारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो पेमेंट से बाकी रह जाते हैं, जिसका पेमेंट नहीं हो पाता है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रूप में जानते हैं। अब ये हमारा इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम समायोजना के माध्यम से सही करेंगे जैसे ही वो पता चलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हम करेंगे और ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करने के बाद टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसके थ्रू हम इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे। अब इसका टू फोल्ड इफेक्ट देख लीजिए, तो टू फोल्ड इफेक्ट में अगर हम आपको देखते हैं तो विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम ले जा करके दिखाते हैं बाय वे ऑफ एडिशन। ये महत्वपूर्ण चीज है कि इसको कहाँ पे हम ऐड करते हैं ले जा करके, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के साथ इसको ऐड करते हैं। जैसे आप इसको समझ लीजिए कि सैलरी पेड, सैलरी हमने दे दिया उसका तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके चले गए, लेकिन सैलरी बाकी रहा तो कुछ सैलरी किसी एक का बाकी रहा होगा तो उसको पूरे सैलरी वाले एक्सपेंस में ले जा करके हम इस समय योजना के थ्रू ऐड कर देंगे। अब यहाँ विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, जब ये तो हमारी लाइबिलिटी ही है क्योंकि पेमेंट तो हमारा बाकी रह गया, जब देना बाकी रह गया तो हमारी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इसको हम ले जा करके दिखा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये इससे क्या आशा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा जो होता है कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो हम पहले प्रीपेड कर देते हैं, जैसे कि आप साधारण अर्थों में समझ लीजिए जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो प्रीपेड रिचार्ज आप करा लेते हैं, तो प्रीपेड के लिए भाई काम तो आपका हुआ नहीं और आपने खर्च पहले कर दिया, तो ये आपका क्या है जिस पार्टी के ऊपर आपने किया है तो उसके लिए तो लाइबिलिटी रहेगी उस समय तक, और अकाउंटिंग में प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले कर दिया है तो इसका भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके लिए हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट पर्टिकुलर उस जिसका रिलेशन जिस एक्सपेंस से होगा, ये प्रीपेड एक्सपेंस उसके आगे उसका नेम दिया रहेगा, उस हिसाब से जनरल एंट्री पास करेंगे। इसका टू फोल्ड इफेक्ट भी देख लेंगे हम। टू फोल्ड इफेक्ट में हम देखेंगे विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे, यहाँ पर हम डिडक्शन कर देंगे, डिडक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से हम उसको लेस कर देंगे। उसका दूसरा जो इफेक्ट आएगा तो वो हमारा होगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ देखिए विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वो लाइबिलिटी साइड गया था ये एसेट साइड आया। अब अगला हमारा है, तो अगला हमारा जो समय योजना है एक्रूड इनकम क्या कमा लिया गया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, दैट इज एक्रूड इनकम। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो हमारा है आपका एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट और टू इनकम अकाउंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसका टू फोल्ड इफेक्ट देख लीजिए, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको हम ले जा करके दिखाएंगे, और दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे, तो विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ये दो जगह दिखा देंगे तो इसका भी एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। ऐसे ही जितने समय योजना है सबकी एडजस्टमेंट एंट्री होती चली जा रही है। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो जैसा कि रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस के रूप में मिला है, उसका वर्क तो डन हुआ नहीं है,
इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सही पिक्चर ड्रा करने के लिए इसके लिए भी हमें एक एडजस्टमेंट इंट्री करनी पड़ेगी। तो इस एडजस्टमेंट इंट्री में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये इंट्री हम पास करेंगे। इफेक्ट क्या होगा तो इसको कहाँ कहाँ हम ले जा करके दिखाएंगे, बैलेंस शीट में जाएगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो पहला इसका इफेक्ट है। तो ये देखिए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड किसके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड की तरफ ले जा करके हम दिखाएंगे। अब ये हमारा क्या है, एक्रूड है और रिसीव्ड इन एडवांस है, इट मीन्स एक्रूड की तरह है, तो ये डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर इनकम से हम ले जा करके डिडक्ट कर देंगे और विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और लाइबिलिटी साइड में ले जा करके इसको हम दिखा देंगे। अगले उस पर हम चलते हैं, तो हमारा है डिप्रेसिएशन अकाउंट। डिप्रेसिएशन के बारे में जनरली आप समझ भी रहे होंगे कि ये डिप्रेसिएशन क्या है, कोई भी एसेट है वो एक समय के साथ साथ उसमें क्षय होता, ह्रास होता जाता है, उसी को हम डिप्रेसिएशन कहते हैं। आज किसी मशीनरी को हमने 10 लाख में खरीदा हो, अब अगले दिन से वो नई ना होकर के पुरानी होती चली जाएगी, जैसे वो यूज होती चली जाएगी उसमें समय के साथ साथ ह्रास उत्पन्न होता रहेगा। तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्ट पोजीशन को ड्रा करना चाहते करने के लिए हम इसके लिए एक समायोजन प्रविष्ट करेंगे। समायोजन प्रविष्ट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब इसका टू फोल्ड इफेक्ट देख लीजिए, तो इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय वे डिडक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंसर्न एसेट्स, उस पर्टिकुलर एसेट से उसको ले जा करके एसेट साइड से लेस कर देते हैं जितना उसका वैल्यू डिप्रेसिएट हो गया, यानी कि डिप्रेसिएबल वैल्यू जो होती है वो ले जा करके वहाँ पर हम लेस कर देते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस के रूप में दिखा देते हैं। अब अगले पे जब हम चलते हैं तो अगला हमारा बैड डेप्ट आता है। बैड डेप्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो पैसा लगा है कहीं वो डूबने के कगार पे चला जाता है, उसके मिलने की संभावना कुछ भी नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। तो इसके लिए हम एक समायोजना लेकर आते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेप्टर्स। टू फोल्ड इफेक्ट देख लीजिए, तो टू फोल्ड इफेक्ट में डेबिट साइड में इसको दिखा देते हैं पी एंड एल अकाउंट के, और उसके बाद इसको हम लेकर चले जाते हैं। तो बैड डेप्ट कहाँ से हमें मिलता है, तो जो डेप्टर्स होते हैं उसी में से कुछ डेप्टर्स हमारा वापस नहीं कर पाते हैं तो वो बैड डेप्ट हो जाता है, तो उसी डेप्टर्स में से हम उसको लेस कर देते हैं। अब अगले की तरफ हम चलते हैं, तो हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो ब्याज मिलता है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू फोल्ड इफेक्ट इसका देख लीजिए, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ले जाके ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में देखें तो ये जो समायोजना है, ड्रॉइंग कर लिया, उस पर इंटरेस्ट लगाया गया, फाइनली देखा जाए तो अब इसका समायोजन प्रविष्ट हो जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। टू फोल्ड इफेक्ट देख लीजिए, तो अब इसे हम कहाँ ले जाकर दिखाएंगे, तो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम दूसरा इसको कहाँ, लाइबिलिटी साइड में जो हमारा यहाँ पर ड्रॉइंग हुआ है उस ड्रॉइंग में से ले जा करके डिडक्ट कर देंगे, और हम डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से, ड्रॉइंग में पहले ऐड कर देंगे, उसके बाद ऐड वाले वैल्यू को हम कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट की जब बात करते हैं तो जो भी हमारे डाउटफुल डेप्ट है, बिजनेस में ये देखा जाता है कि हम कुछ सुरक्षात्मक उपाय को लेकर के चलते हैं, तो उसके लिए जो हमारे बैड डेप्ट हो गए हैं उसकी भरपाई के लिए हम प्रोविजन कर देते हैं। तो ये
प्रोविजन का इसका हम एडजस्टमेंट इंट्री करेंगे, तो एडजस्टमेंट इंट्री के लिए आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। अब कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ता है, तो ये देखिए ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द वे ऑफ एडिशन टू बैड डेब्ट ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी डिटेक्टेड। अगर ओल्ड प्रोविजन है तो जब हम प्रोविजन कर रहे हैं तो ओल्ड प्रोविजन को उस प्रोविजन से लेस करने के बाद ही हम प्रोविजन करते हैं। उसके बाद शोन ऑन एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड में ले जा करके हम सन्डरी डेप्टर्स में से उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं। अब हमारा अगला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एडजस्टमेंट इंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स अकाउंट। अब यहाँ पर टू फोल्ड इफेक्ट इसका देख लीजिए, तो शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन ऑन, और इसका सेकेंड होगा शोन बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सन्डरी डेप्टर्स आफ्टर डिडक्शन और फर्दर बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये करने के बाद हम बैलेंस शीट साइड में इसको एसेट के साइड में दिखा देते हैं। उसके बाद हम अगला हमारा जाता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये रिजर्व हम बनाते हैं क्या, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पे। तो इसके लिए देखिए फर्म में हैव चेंज चांस टू रिसीव डिस्काउंट ऑन लास्ट डेट, ये लास्ट डेट की ही बात होती है जो भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस जर्नल एंट्री के माध्यम से हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या है, कहाँ कहाँ इसे ले जाकर के दिखाएंगे, तो इट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा इसका कहाँ जाएगा, तो ये सन्डरी क्रेडिटर्स में से जाके डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये बड़े खर्चे होते हैं जो धीरे धीरे कई वर्षों में प्राप्त किए जाते हैं, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट इंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अब देखिए डिफर्ड रेवेन्यू, तो जिससे संस्था को आय जनरेट करनी होती है, आय जनरेट करने के लिए वो इतना ज़्यादा खर्च कर देता है कि उस खर्च की पूर्ति को कई वर्षों में प्राप्त करता है, और उसका वो जो हिस्सा है वो धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है, तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट इंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट का। इसका इफेक्ट कहाँ होगा, तो ये डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी पार्ट को वो ले जा करके डेबिट साइड में पीएल के दिखा देता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, तो एक्सपेंडिचर है तो ये ले जा करके हम डिडक्ट कर देते हैं, कहाँ, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर के तरफ ले जा करके इसे एसेट साइड के तरफ हम डिडक्ट कर देते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, आग से माल जल गया, ये भी हमारा नुकसान है, अचानक हो सकता है, तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट इंट्री करेंगे, द पोजीशन ऑफ बिजनेस मे बी, तो उस व्यवसाय का जो हिस्सा जला रहा था। अब इसके लिए देखिए क्या है, ऑल द स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड, इसे कंडीशन है, द स्टॉक इज पार्सली इंश्योर्ड और द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड एट ऑल, तो जब भी आग लगती है तो ये तीन कंडीशन होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। इसके लिए हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट इंट्री, तो ये देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा एक एडजस्टमेंट इंट्री होगा। अब इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में ये चला जाएगा, क्योंकि हमारा गुड्स जला है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहता है। इट इज़ शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट साइड में इसको ले जा करके शो कर देते हैं। उसके बाद हमारा है इफ स्टॉक इज पार्सली इंश्योर्ड, अगर पार्सली इंश्योर्ड है तो पार्सली के लिए देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा जर्नल एंट्री बनेगा। उसके बाद इसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड शोन ऑन डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ले जा करके दिखाएंगे स्टॉक विच इज नॉट इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड नहीं है। दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक फायर इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विच अमाउंट इज टू बी रेज्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो पैसा प्राप्त हो जाता है
और उसे हम ले जा करके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। इफ़ स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड नहीं है तो ये तो पूरा का पूरा हमारा लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसको हम ले जा करके देखिए, सोन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और इट इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके बाद हम चले आते हैं रिजर्व फंड, अगर रिजर्व फंड का कोई हम एडजस्टमेंट बना कर रखे हैं तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट। अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, तो इट इज़ शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में इसको हम खर्चा ही मानते हैं और इसलिए इसे डेबिट साइड में दिखाते हैं। और उसके बाद इट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, हमारी लाइबिलिटी है। अब उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में भी कुछ गुड्स कंपनियाँ एडवर्टीजमेंट के रूप में उसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ट्रीटमेंट एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखिए इसका इफेक्ट, परचेज में से ले जा करके इसको हम डिडक्ट लेस कर देंगे और इट इज़ शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस मान करके हम डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाएंगे और परचेज में से लेस कर देंगे। अगला हमारा जो है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे हम मैनेजर्स का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसको कैसे हम चार्ज करते हैं, तो दिस कमीशन इन कैलकुलेटेड बाई अ फार्मूला कमीशन पेएबल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कमीशन इंटू रेजुअल प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इस फार्मूला को हम लगा करके मैनेजर्स के कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब मैनेजर्स के कमीशन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और अब यहाँ पर हम गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, अब देखिए इसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग में ही किया था, जैसे कि आपको समयोजना के बारे में बताया था। तो अप्रूवल बेसिस पे अगर लास्ट डे पे हम सेल कर रहे हैं तो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं कोई दे सकता है कि वो बिकेगा कि खरीदा जाएगा। उस स्थिति में हम जो अगर मान लीजिए वो नहीं बिका तो हमने बिकने की एंट्री कर दिया था, सेल आउट की एंट्री कर दिया था, वो बिका नहीं तो फिर उसको लाया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू डेप्टर अकाउंट विद सेल्स प्राइस, और दूसरा होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। इसको दो तरह से हम दिखाते हैं, एक सेल्स प्राइस पे, एक कॉस्ट प्राइस पे। अब इफेक्ट दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कि एक जगह देखिए कॉस्ट प्राइस और कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद दूसरा सोन ऑन एसेट साइड डिडक्शन करके डेप्टर्स में से सेल प्राइस पे इसको डिडक्ट कर दें एंड स्टॉक एट कॉस्ट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसको दिखा देते हैं। अब हम आते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट देखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि यम गिव्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2010 को, उन्होंने एक अपना ट्रायल बैलेंस दे रखा है। उस ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो उस ट्रायल बैलेंस में जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी इनका इतना है, फिक्चर फिटिंग ये 2400 है और स्टॉक इनका ऐसे है, फिनिश गुड्स परचेज इनका ये है। ऐसे करते हुए जब हम यहाँ आते हैं, ये सारे इनके ये वेजेज जो भी पर्टिकुलर हैं फ्रॉम ट्रायल बैलेंस जो आए हैं, ये वो फ्रॉम क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस उनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसकी सहायता से, अभी इसका पार्ट आगे भी है, तो इसकी सहायता से अब हम देखेंगे तो जो एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, ये एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। इस एडजस्टमेंट में आप देखेंगे तो ऑन 31st March 2010 द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज 13,300, डिप्रेसिएशन प्रोवाइडेड बाय एम इज 15% ऑन प्लांट एंड वैल्यू। अब देखिए ये 15% जो है ये प्लांट पे डिप्रेसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इनका एक समायोजना है। तो डिप्रेसिएशन का जो समायोजना आपने पढ़ा था उसको आप उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद ये मशीनरी पे 10% कह रहे हैं,
फिक्चर एंड फिटिंग बुक वैल्यू उसका दिया हुआ है बुक वैल्यू पर। पेटेंट हैव टू मोर ईयर टू रन एंड कंसर्न अ विटल प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वेयर ट्रांसफर टू सेलिंग डिपार्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। अब समायोजना के बारे में कह रहा है, उसके बाद ये ₹30,000 वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स का, यानी कि ये 31 मार्च को इसका वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहे हैं। प्रिल इतना वाज कास्ट टू यम ड्रा द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लास्ट 2009-10 एंड द बैलेंस शीट ऑफ यम एट द एंड ऑफ द ईयर। इन समायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को कह रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे देख रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको एक साथ एक हेडिंग के तहत तो इसको बनाना तो आप जानते थे। अब इसमें ये जो आप देखिए, इसमें इन्होंने जो दिया है उस पर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर जो अभी इस एग्जाम्पल्स दिया है उसी एग्जाम्पल के बेस पर देखिए, यहाँ पर टू रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया गया है। अब यहाँ पर इसका ओपनिंग स्टॉक 16,300 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, अब ये परचेज उन्होंने कर लिया था ये 93,100 का इन्होंने परचेज कर रखा था, और इनका क्लोजिंग स्टॉक जो 13,300 दिखा रहा था समय योजना के वहाँ, तो उसको ला करके लिस्ट कर लेते हैं। अब इनके पास जो ये बचता है ये हम अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं। अब वहाँ पे वेजेज था, वेजेज दिखा दिया गया मैन्युफैक्चरिंग, इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट करके अब उन्होंने यहाँ पे इनका फाइनल जो स्टॉक का वैल्यू है वो उसे आप पुटअप कर दिए हैं। अब वेजेज टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर देखिए डिप्रेसिएशन से एक वेजेज था, तो डिप्रेसिएशन से एक एडजस्टमेंट था, तो उस पर आप देख रहे हैं कि डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% था, तो ये उसका डिप्रेसिएशन डेबिट साइड में दिखा दिया गया। अब ये कहाँ दिखाया जाएगा समय योजना, तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जा करके, कौन से एसेट्स में, तो उस पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी में से ये 9,000 लेस कर दिया जाएगा। अब टू डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट, तो 1/3 प्लांट का डिप्रेसिएशन, तो 18,000 का 1/3 ये हो गया 6,000, ये भी हमारा डिप्रेसिएशन है, तो ये भी यहाँ डेबिट साइड में दिखाया गया, और वहाँ जाकर बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये उस पर्टिकुलर पेटेंट से लेस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लेस सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी एक है, अब सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसके स्क्रैप को बेच दिया, जो भी डिप्रेसिएशन हुआ डिप्रेसिएशन के बाद जो स्क्रैप बच गया था उस मशीनरी का पर्टिकुलर या प्लांट का, तो उसे उन्होंने सेल किया, सेल के बाई सेल, तो उन्हें जनरेट हुआ क्या, तो 3,600 रुपये उन्हें जनरेट हुआ। अब कास्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, अब कास्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड यहाँ पर देख लीजिए, ये इतना गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस्ड कर लिया ये ऐड करके, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब इधर हमारा क्या था, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास 2 लाख रुपए मिले हुए थे, तो अब इसमें से अब जो ये प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कहाँ पर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ देखिए टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, तो अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं, टू वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर, वहाँ से जो ट्रांसफर होकर के ये अमाउंट आया हुआ था, और उसके बाद हमारा सेल्स इतना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इतना था, ऐड करने पे दोनों का वैल्यू हमारा 2,80,000 आया,
2,80,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रेक डाउन कर दिए और उसके बाद अब हमारा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए लेकर आए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे हैं, इससे कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं थी, एज इट इज लिख दिया गया। डिप्रिसिएशन और फिक्सचर एंड फिटिंग ये हो गया। टू सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो गया। अब ये जो भी आपका इंटरेस्ट लोन फ्रॉम इंडियन बैंक इतना ये एडजस्टमेंट के पास से आ रहा है, एडजस्टमेंट जो भी वहाँ पे दिया हुआ था, एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद उसको यहाँ पे देखिए दिखाया गया ये, और ये आ गया आपका। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इधर, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉफिट आया था। ये अब यहाँ पर देखिए ये सब लेस होने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट ये हमारा इतना बचा, इसको हम ले जा करके करेंट अकाउंट में यम के ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हुआ। अब आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ एम, बैलेंस शीट एम का 31 मार्च 2010 को दिखाया गया है। ये आपका साइड जो है ये लाइबिलिटी साइड है और उसके बाद आप देख रहे हैं ये एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को उन्होंने दिखाया है और सन्ड्री क्रेडिटर्स लोन 18% फ्रॉम इंडियन बैंक जो एडजस्टमेंट इंट्री से प्राप्त हुआ है ये इतना है। एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये था, ये ऐड कर दिया गया, टोटल इतना हो गया। ये लोन ऑन इंटरेस्ट की बात है लोन। और अब यम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में आप देखिए बैलेंस एज ऑन, ये आपके उस एग्जांपल में था, एड नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्राप्त हुआ था, ये दोनों को हम ऐड किए। तो ऐड करने के बाद अब देख रहे हैं ये हमारा अमाउंट निकल के आया। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल को दिखा दिया, टोटल 1,37,310 रुपीज हमें प्राप्त हुआ, इस साइड हमने लिख दिया। उसके बाद हम अब एसेट साइड में देखते हैं, कैश एट बैंक ये था, सन्डरी डेप्टर्स ये था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये था और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये। अब ये देखिए रिजर्व जो ब्रिंग गुड्स टू कॉस्ट वैल्यू पे, अब ये आया, ये समय योजना का पार्ट था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया गया था। पेटेंट्स ये एडजस्टमेंट में जो अभी आपने देखा पेटेंट्स पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा गया था, अब देखिए पेटेंट से ये 6,000 लेस कर दिया गया, 12,000 बचा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इतने का था, अब देखिए डिप्रेसिएशन इनका 10% था इसका, तो 240 रुपी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया था जो यहाँ पे लेस हो गया और ये अमाउंट यहाँ पर है। प्लांट एंड मशीनरी की जब बात करते हैं तो ये भी एसेट्स है, एसेट्स को दिखाया गया, इसका 15% डिप्रेसिएशन की बात किया गया था, तो 15% डिप्रेसिएशन इसका 9,000 रुपये ये देखिए लेस हो गया, ये 51,000 रुपीज आपको दिखाई दे रहा है। अब ये सबका टोटल करते हैं तो टोटल करने के बाद 1,37,310 रुपीज आपका एसेट साइड का भी टोटल प्राप्त हुआ। ये टोटल और ये टोटल ये दोनों क्या है, इक्वल है। इससे ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आज आपको बताया गया कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के बाद हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो क्या क्या अंतर आते हैं। तो जो भी एग्जैक्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए जब जो कुछ खर्चे हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्राप्त होता है तो या बैलेंसिंग फिगर अकाउंट्स का प्राप्त करने के बाद प्राप्त होता है तो उसको हम एडजस्टमेंट समायोजना के द्वारा ही
राइट फिगर दे सकते हैं। तो इसलिए समायोजना करना जरूरी होता है और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू फोल्ड इफेक्ट। टू फोल्ड इफेक्ट वो रहता है जिस टू फोल्ड इफेक्ट को एडजस्टमेंट इंट्री करके ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना सकते हैं। एडजस्टमेंट इंट्री पर आप आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप और बेहतर होते चले जाएंगे। ये है आपको एडजस्टमेंट जो इंट्री है उसे लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और आज इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।